ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम आदर स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज के मेरे वीडियो का विषय है, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो एक शेयर की थी और आप ये देख रहे हैं तबले, उसमें कैक्टस था एक, जो फूल दे एग्जीबिशन हुई थी वसंतोत्सव, उसमें एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी जिसमें कैक्टस को मैंने दिखाया था बहुत ही कुछ सेकंड का। तो अलग अलग जो कमेंट्स आए हैं उनमें मुझे मीठू जी ने लिखा कि इसकी शेप तबले जैसी लग रही है। तो आप देखिए, मैं इसको दो भागों में दिखाऊंगी। मीठू जी, ऊपर से इस कैक्टस की जो शेप है वो दाहिने वाले तबले की, दायां कहते हैं जिसे, ये देखिए ऊपर से ऐसी है, और नीचे से जो इसकी शेप है वो ये देखिए बाएं वाली है, जिसे डुग्गी भी कहते हैं। तो ये तो 2-in-1 हो गया ये कैक्टस। और दूसरे मैं ये कहना चाह रही थी कि सुनील भैया हैं लाइफ कोच, उन्होंने सबसे पहले उनका कमेंट आया, मुझे हंसी आ रही, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा फ्रूट है, मैंने देखा नहीं। तो मुझे बहुत हंसी आई थी उस समय कि हो सकते भैया हिमाचल के, उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसा फ्रूट खाया हो, क्योंकि हिमाचल उत्तराखंड और ये सब जो है काश्मीर की घाटियाँ, अलग अलग जितने ये वन प्रांतीय जो जंगलों से जो ज़्यादा घिरे हुए जो प्रदेश है, उनमें बहुत जंगली फल भी होते हैं, और जंगली फलों में तो बहुत होएंगे गैर कांटे। तो मैंने सोचा कि हंसी तो आई, पर मैंने सोचा कि हाँ हो सकता है कि शायद वहाँ पे कोई ऐसा फ्रूट हो। हंसी आ रही है मुझे। और फिर भैया ने पढ़ लिया था तो फिर दूसरा कमेंट करा और कहा कि नहीं नहीं अच्छा ये तो मैंने अब समझ गया हूँ कि कैक्टस है। तो सबको अलग अलग लगा। और शिव मंदिर डांडमा से मेरी जो बहन है बहुत प्यारी सी, उन्होंने कहा ये मुझे बहुत ही सुंदर फूल है, तो वो तो आप खुद ही फूल है, तो आपको वो सुषमा जी बहुत इंजॉय करती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के। सुषमा जी वाकते ही खुद ही गाती भी बहुत अच्छी है, मैं भी फूल जैसी बहुत खूबसूरत है, मैं तो उन्हें वो फूल ही दिखाई दे रहा। और मुझे बहुत हंसी आ रही है मुझे। मुझे ना एक वो बात याद आ गई कि एक बार किसी के घर, एक जैसे होता ना नामकरण संस्कार, बच्चा हुआ और वहां पे जितने लोग आए हुए थे गेस्ट जो मेहमान, तो उनमें से जैसे कोई हलवाई है, तो अब उस बच्चे को देख के उसने कहा इसकी आंखें गुलाब जामुन जैसी हैं, होंठ जो है वो बड़े सुंदर रसीले लग रहे हैं, रसमलाई जैसे। तो इस ढंग से करा वर्णन। अब सब्जी वाले कोई आएंगे तो वो कहेंगे इसके जो आंखें हैं वो आलू जैसी लग रही हैं, गोल गोल। तो बात यह है कि नज़र और नज़रिया, आज का टॉपिक का मुझे अपनी, वैसे तो ये मेरे गार्डन के ऊपर भी है जो मैं बहुत लेट कर देती हूँ, मैंने कहा था कि मैं बहुत लेट करती हूँ अपने वीडियोस को अपलोड करने में, और ये मैंने किया ही नहीं था, ये गुलदावरी का है गार्डन का ओवरव्यू, तो बहुत लेट लतीफ हूँ। आज मैंने सोचा कि इसी को शेयर कर लेती हूँ और अपनी बातें भी कर लेती हूँ मैं आपके साथ। तो कहने का मेरा मतलब आज की वीडियो का ये है कि एक ही चीज़ को हम कितने कितने रूपों में देखते हैं, एक ही चीज़ को। अब जैसे मैंने एक बार मसूरी ट्रिप पे गई थी मैं धनौल्टी, तो मैंने वहाँ पे गाने की एक लाइन थोड़ी सी गुनगुनाई थी, वो गाना है ना ये दिल और उनकी निगाहों के साए, तो मैंने कहा था कि किसे ढूंढ रहे मेरी निगाहों के साए, मैं हर गीत को, अब जैसे कि आप लोग गाना गाते हैं, जो लोग ज़्यादातर सिंगर्स जो हैं उनसे मैं जुड़े हुए हूँ म्यूजिकल चैनल्स के साथ, तो वो वैसे गाते हैं उन गानों को, है ना, फिल्मी समझ के। और मैं जो गाती हूँ, मैं जिस उम्र के पड़ाव पे हूँ, और मैं शुरू से हूँ बचपन से ही, पड़ाव की भी बात नहीं होती है, बात होती है कि इंसान की मेंटेलिटी की, बचपन से ही मैंने बताया भी था ना एक बार कि मैं तो कहती थी मैं जंगल में भाग जाऊँगी, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था, वो तो मुझे घर वालों ने डराया जंगल में खा जाएंगे, हाथी वगैरह रहते हैं शेर वगैरह, वो खा जाएंगे तुम्हें, मुझे लगता था कि भागना चाहिए किसी दिन। तो क्या कह रही थी मैं, भूल जाते हंसी आ रही थी ना। अब ये तितली है जैसे देखें, उसके भी अलग अलग वो दिखेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि मैं जो वहाँ पे धनौल्टी में मैंने जो गाना गाया था, तो मैंने उसमें मुझे क्या महसूस हुआ कि किसे ढूंढ रहे मेरी निगाहों के साए, आत्मा ढूंढ रही परमात्मा को, मेरी निगाहों के साए परमात्मा को ढूंढ रहे। तो बस बात नज़रिए की होती है, अपना नज़रिया जैसा भी हो हर रूप में
चाहे वो जिस रूप में भी आप देख रहे हैं, बस अच्छा ही होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे आप सभी के कमेंट्स लगे, और मुझे इस समय तो जितने याद रहे हैं वही हैं। देवाद्रिता जी ने कहा था, पियाली जी ने कहा था, उन्हें भी अपने अपने कुछ ऐसे याद आए हैं, है ना, क्षेत्रों के कैक्टस को देख के कुछ खास जगहों की बातें। तो अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी और मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी नई बात के साथ। और आप इन फूलों के बारे में मैं बता दूं कि ये गुलदावरी के फूल हैं, और ये इतनी ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि मैंने इसमें खाद अभी से जब कटिंग की थी तो डालने शुरू कर दिए। जब मैं उनमें समय समय पर जो खाद है ना, देसी खाद, गोबर की खाद, जब मैं वो डालती रहूँगी तो वो देखिए कितने सुंदर अब मुझे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद।